नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंदास लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का लड्डू। आंवला चमत्कारिक गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और डाइयूरेटिक एसिड भी पाए जाते हैं। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण ये हमें कैंसर से बचाता है, साथ ही साथ ये हमारे एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है। आंखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए और त्वचा के लिए ये विशेष फायदेमंद है। साथ ही ये हमें और भी बहुत से रोगों से बचाता है। हमारे वजन कम करने में भी ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए और बनाते हैं आंवले के लड्डू। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं आंवले का लड्डू। ये मैंने हाफ किलो आंवला ले लिया है और इसे धो करके, पोंछ करके थोड़ी देर इसे धूप में रख दिया है। अब मैं इस आंवले को कद्दूकस करूंगी। लड्डू बनाने के लिए मैंने बनाकर बहुत सारा ट्राई किया, इसे क्रश करके या फिर पीस करके बनाने में लड्डू का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसे करके देखती हूँ और ये सक्सेसफुल रहा। तो मैं इसे लेकर इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। सारे आलू को मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। सारे जो मेरे आंवला थे उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, इसे मैंने निकाल कर इसे अलग रख दिया है। अब मैं इसे एक साइड में रखती हूँ और आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें एक चम्मच लाइम चूना लिया हुआ है। चूना लेने से इसके कलर अच्छे आएंगे और इसका जो कसैलापन है वो कम होगा। बहुत से लोग कसैलेपन को नहीं खाना पसंद करते हैं, मगर कसैलापन अगर रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन खा नहीं पाते हैं हम लोग। तो ये मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, ये मैंने इसको लिया है। हमेशा कांच के बर्तन में आप यूज करें और इसे मैं पानी में डालकर थोड़ी सी इसे मिक्स कर ले रही हूँ। ये लाइम आपको किसी भी पान की दुकान पर मिल जाएगा, नरम रहता है ये और वो लोग पैक करके बेचते भी हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से मिक्स करके पिघला लिया है। अब मैं एक बड़े बॉल में थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने और ये जो लाइम है उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मिक्स कर लूंगी, थोड़ी और पानी डालूंगी। अब इस लाइम वाटर में मैं डालूंगी अपने कद्दूकस किए हुए आंवले को। मिक्स करके कम से कम एक घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी। ये करीब एक घंटा हो गया है और ये देखिए ये अच्छे तरह से भीग चुका है। बहुत ज्यादा हम चूने के पानी में नहीं रखेंगे और अब मैं इसे छान लूंगी। छने हुए पानी को मैं फेंक दूंगी। एक और इस तरह के मैं बर्तन लूंगी और इसमें इसे रखकर इस पानी को मैं फेंक दूंगी और अब मैं अच्छी तरह से इसे
धो लूंगी। दो बार धोने से इसका जो चूना है वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे रनिंग वाटर में भी धो सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए इसमें जितना भी लाइम है वो सब निकल चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि जो फालतू पानी है वो निकल जाए इसमें से। 10 मिनट में ये सारे पानी इसकी निकल जाएगा। मैंने एक कढ़ाई को गैस ओवन पर रख दिया है और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी। चीनी मैंने 300 ग्राम लिया है क्योंकि हमारा आंवला हाफ के जी है, 500 ग्राम है, इसलिए मैं चीनी इसमें 300 ग्राम लूँगी। तो ये चीनी मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसके साथ मैं 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दूँगा और इसे पिघलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। ये चीनी देखिए पिघल चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब लेमन ऐड करूँगी, इससे इसकी चाशनी ट्रांसपेरेंट होगी और लड्डू का कलर अच्छा आएगा, टेस्ट भी ट्रांसपेरेंट सा हो गया ना। अब मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेती हूँ। चीनी में पानी करीब 1/4 रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई ग्रीन इलायची डाल दे रही हूँ। इसे मिक्स करके साथ ही मैं इसमें तुरंत ही जो मैंने रखा हुआ है आंवला क्रश करके और लाइम में भिंगो करके धो करके इसको मैंने रख लिया है और मैं सारे के सारे इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। आंवला मेरा कच्चा है, मैंने इसे उबाला नहीं है, बॉइल नहीं किया है। ये चाशनी में पक करके और बहुत ही मीठी सी हो जाएगी, चाशनी इसके अंदर तक चली जाएगी चीनी की, इसलिए मैंने इसे उबाला नहीं है। उबालने से ये नरम हो जाएगा और आप बना कर देखिएगा, ये लड्डू काफ़ी अच्छी और क्रिस्पी लगेगी। ये चाशनी रिड्यूस हो रहा है और अब हम इसमें इसे लगातार चलाते जाएंगे, कहीं से ये पकड़े नहीं। अगर नीचे लग जाएगा तो फिर इसका कलर और टेस्ट दोनों ही खराब हो जाएगा। इसे लगातार चलाते रहेंगे, इसे लगातार चलाते हुए इसके पानी को रिड्यूस करूंगी मैं। गैस फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है और धीरे धीरे करके मैं लगातार चलाते जा रही हूँ और इसके पानी भी जितने इसमें पानी है वो सबको मैं रिड्यूस करूँगी। इसके साथ ही अगर आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से यूज कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मुझे किशमिश पसंद है लेकिन बहुत लोग किशमिश नहीं खाते हैं, तो अगर वैसा है तो आप मत डालिए। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिए। मैंने ये थोड़ा सा किशमिश रखा हुआ है, ये मैंने इसमें डाल दिया है और मैं 8 से 10 काजू को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और उसे डाल दे रही हूँ। बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, लेकिन इसको थोड़ी सी और सुखानी होगी लड्डू बनने के लिए। आप इस लड्डू को जरूर बनाइएगा, आप जिसे भी खिलाइएगा सभी आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और गुणों से भरपूर है। साथ ही एक आंवला ही ऐसा चीज है, इतने फ्रूट्स हैं जो जिसके गुण कभी भी कम नहीं होते हैं, चाहे आप उसे जिस रूप में खाइए।
बस इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इसमें जब आप ऐड करती हैं शुगर सिरप में आंवला, उसके बाद से आप इसे लगातार चलाते रहिए। अगर थोड़ा सा भी ये इसमें नीचे से पकड़ लिया तो इसकी टेस्ट और इसके कलर दोनों ही खराब हो जाएंगे। ये देखिए, ये अब सूख गया है। अब अगर इससे ज़्यादा मैं करूँगी तो ये रेड हो जाएगा नीचे से, इसलिए ये सूख गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और मैं इसे अभी इतने गर्म में तो मैं इसकी लड्डू नहीं बना पाऊँगी, तो थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ, फिर इसकी मैं लड्डू बना रही हूँ। ये हल्का ठंडा हो चुका है, अब ये लड्डू बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अब हल्का सब गर्म है तो मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। मैंने हाथ को तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है, चिकना कर लिया है हाथ को, और अब मैं इसको मन चाहे सेक इस तरह से लड्डू बना लूंगी। ये देखिए, ये टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू तैयार हुआ है। बच्चे जो अक्सर मना करते हैं खाने के लिए, वो भी इसे बहुत ही अच्छे से खाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये आप जान पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो आप इसे बनाइए और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लूंगी। ये लड्डू तैयार है, ये आप देखिए, आप इसे जरूर बनाएं, हेल्दी लड्डू जरूर खाएं, अपने परिवार अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि पता चले इस इनोवेशन का। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।